हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम यूनिक नाश्ता जो टेस्टी होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो देर किस बात की है, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप चावल, जिसे मैंने अच्छे से धो करके 3 घंटे के लिए सोख कर दिया था, या फिर आप इसे 2 घंटे के लिए भी सोख कर सकते हैं। अब इसका हम पानी निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने चावल का सारा पानी निकाल लिया है। अब उसके बाद हम लेंगे एक मिक्सर जार। मिक्सर जार में हम चावल को डाल देंगे। आपके पास जो भी चावल हो आप वो चावल ले सकते हो, मोटे पतले जो भी आप खाने में पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब इसे हम ढक्कन लगा करके इसका महीन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने चावल को अच्छे से पीस लिया है। अब हम लेंगे एक बाउल, बाउल में हम चावल को डाल देंगे जो हमने पेस्ट बना करके रखा है। अब इस नाश्ते को और भी टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए हम लेंगे इसमें 1/4 कप सूजी, बारीक वाली। सूजी डालने के बाद इसे हम फटाफट से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि चावल और सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। अब इसे और थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें लगाएंगे एक छोटा सा तड़का, जिसके लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है 1 चम्मच। उसमें हम लेंगे थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको हम अच्छे से चटका लेंगे। उसके बाद इसे हम नाश्ते में डाल देंगे। अब हम ऊपर से इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और नमक हम अपने स्वाद अनुसार ले लेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस नाश्ते को बनाने में ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता और ये टेस्टी होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी है, हेल्दी भी है। और ये नाश्ता चावल से बनकर के तैयार होती है। अब इसे हम करते हैं साइड। उसके बाद हम ले लेंगे एक छोटा सा बर्तन। ये देखिए, मैंने स्टील का एक टोप लिया है मीडियम साइज़ का। अब इस पर हम एक साफ़ कपड़ा ले लेंगे कॉटन का और इसे हम इस तरीके से बांध देंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से बांध लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 ग्लास पानी। पानी डालने के बाद इसे हम गैस ऑन करके रख देंगे गर्म होने के लिए। तब तक हम फटाफट से जो हमने चावल का बैटर बना करके रखा है उसमें हम लेंगे 1/4 चम्मच इनो, या फिर आप खाने वाला सोडा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इनो डालने के बाद इसे हम फटाफट से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। पानी हमने पहले से रखा था गर्म होने के लिए। अब इसमें हम 2 चम्मच बैटर को डाल देंगे। बैटर डालने के बाद इसे हम हल्के हाथों से फैला लेंगे, जैसे हम डोसा फैलाते उसी तरीके से इसे आराम आराम से फैलाना है। अब इसे हम ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। 5 से 7 मिनट बाद हम ढक्कन को हटा लेंगे। ये देखिए, हमारा नाश्ता एकदम अच्छे से पक चुका है। इसमें एक बूंद भी ऑयल हमने नहीं डाला ऊपर से। ये देखिए, अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे एक मिक्सर जार। उसमें हम लेंगे 1/2 कप भुना हुआ सिंगदाना। अब हम लेंगे एक हरी मिर्च। उसके बाद हम लेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती। 1/2 छोटा चम्मच हम लेंगे नमक और इसमें हम 1/4 कप पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम ढक्कन लगा करके महीन पीस लेंगे। देखिए, मैंने चटनी को रेडी कर लिया है। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। एकदम सिंपल और आसानी से बनने वाली चटनी है ये। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे छोटा सा, जिसके लिए हम मैंने 1 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते, 1 सूखी हुई लाल मिर्च। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करते हुए तड़का लेंगे। अब इस तड़के को हम चटनी पर डाल देंगे। चटनी पर डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारी चटनी भी सिंगदाने की रेडी हो चुकी है। एकदम सिंपल तरीके से बनी हुई है पर खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। अब इसे हम करते हैं साइड। हमारा नाश्ता भी ठंडा हो चुका है। अब हम लेंगे 1 चम्मच। चम्मच की मदद से इसे आराम आराम से हम चारों तरफ से निकालेंगे। ये बहुत आसानी से निकल जाता है।
चिपकता बिल्कुल नहीं है। ये देखिए मैंने इसे एकदम आराम से निकाल लिया है। अब बचे हुए बाकी के नाश्ते को हम इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। अब इसे हम एक प्लेट में ले लेते हैं। ये देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है और एकदम सॉफ्ट बन करके रेडी हुआ है। ये दोनों तरफ से एकदम अच्छे से पका हुआ है, ये देखिए। अब इस नाश्ते को मैं चाकू की मदद से आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और एकदम स्पंजी बन करके नाश्ता रेडी होता है ये, और इसमें बहुत अच्छी जाली भी पड़ती है। अब इसे हम प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट नाश्ता है ये, एकदम स्पंजी नाश्ता बन करके रेडी हुआ है। आप इसे नारियल की चटनी के साथ या सिंगदाने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी है। आपको इस नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस रेसिपी को देखने के लिए धन्यवाद।